हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का फिफ्थ टॉपिक पावर फैक्टर। स्टूडेंट, किसी भी परिवर्ती धारा परिपथ की क्रियात्मक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर कहते हैं। यह एक मात्र रहित राशि है जिसे पीएफ यानी पावर फैक्टर तथा कॉस फाई प्रतीकों से व्यक्त करते हैं। इसका अधिकतम मान एकांक होता है, परंतु मानक निर्धारण मान 0.8 रखा गया है। ठीक है, रखा जाता है। चलिए शक्ति गुणांक का फार्मूला देखिए। क्रियात्मक शक्ति आभासी शक्ति, पावर फैक्टर किलोवाट, ठीक है, किलो वोल्टेज एम्पियर, ठीक है, किलो वोल्टेज एम्पियर कॉस थीटा। तो किलो वोल्टेज एम्पियर कट गया, तो यहाँ आ गया क्या, कॉस थीटा। शक्ति गुणांक के महत्व की विवेचना अग्र दो प्रकार से की जाती है। जो इसमें पहला है स्टूडेंट्स, न्यून शक्ति गुणांक की हानियाँ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से न्यून शक्ति गुणांक के कारण निम्न कमियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट कारण, न्यून न्यून शक्ति गुणांक के कारण वैद्युत प्रणाली में धारा का मान बढ़ जाता है। चूंकि I तथा शक्ति गुणांक cos phi परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए शक्ति गुणांक के घटने से धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम क्या करेंगे। अब बेटा हम जानते हैं P बराबर होता है बी आई और कॉस फाई। अगर मान लीजिए हम अगर करेंट का मान क्या करते हैं, हम कॉस थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो P भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थिर भार की अवस्था में यंत्र द्वारा वैद्युत शक्ति पी स्थिर ली जाती है। ठीक है, पावर हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और तंत्र द्वारा वोल्टेज भी स्थिर रखी जाती है। इस प्रकार पी और भी को स्थिर रखा जाता है। यानी अब जैसे देख ले इसमें क्या हो गया, पी और भी स्थिर हो गया, तो इसको मैनेज कौन करेगा, कॉस फाई और धारा। ठीक है बेटा, अब चलिए अब केवल धारा आई और आई तथा शक्ति गुणांक को परिवर्तनीय मान के लिए लिया जाए, तब उपयुक्त सूत्र द्वारा आई तथा कॉस फाई में संबंध, यानी क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे वी कॉस फाई। उसी फार्मूले से क्या हो गया, इसको इधर करके और उसको भागे में कर दिया गया, तो यहाँ पे आई जो बेटा आया, क्या आया, आई रेसिप्रोकल ऑफ क्या आया, कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, धारा आई के मान बढ़ने से, आई का अगर हम मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो तंत्र में वोल्टता माप, ठीक है, आई जेड बढ़ जाता है। क्लियर है, चलिए अब वोल्टता पात आई जेड के बढ़ने से प्रणाली का वोल्टता नियम निर्बल हो जाता है, अर्थात ग्राह सिरों पर वोल्टेज VR कम प्राप्त होती है, क्योंकि VR बराबर क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई माइनस IZ। ठीक है, धारा के मान बढ़ने से प्रणाली में वैद्युत शक्ति हानि बढ़ जाती है। वैद्युत प्रणाली में शक्ति हानियों के बढ़ने से प्रणाली की दक्षता घट जाती है। ये देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि इफ़िशेंसी क्या होती है किसी भी सिस्टम की या किसी भी डिवाइस की, आउटपुट आउटपुट बटे इनपुट होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी माइनस पी इनिशियल माइनस आई स्क्वायर आर और बटे पी इनपुट। ठीक है, शक्ति गुणांक कॉस फाई के घटने से वैद्युत सारणी पर आभासी मान शक्ति के भी किलो वोल्ट एम्पियर बढ़ जाती है, क्योंकि
कॉस फाई तथा के वी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। फलतः वैद्युत प्रणाली अभिभारित हो जाती है। वैद्युत प्रणाली की वास्तविकता शक्ति किलोवाट, इसका मतलब ये बराबर होता है किलोवाट एम्पियर कॉस फाई। तो किलोवाट एम्पियर इक्वल टू किलोवाट क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई। ठीक है, अर्थात के किलो वोल्ट एम्पियर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस फाई। ठीक है बेटा, अति भारण से वैद्युत प्रणाली का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण वैद्युत प्रणाली का टिकाऊपन घट जाता है। अब जैसे मान लीजिए बेटा, क्या होता है, कोई भी चीज़ है, अगर वो अधिक देर तक जलती रहेगी तो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर या लोड जो होता है, जैसे मान लीजिए बल्ब ही है, बल्ब जैसे रेड वाला ज़्यादा देर तक जलता रहे तो क्या होता है, उसके टंगस्टन पिघल जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। जिस प्रकार से टाइम बढ़ता जाएगा, हीट वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, शक्ति गुणांक के बढ़ने से वैद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर की खपत होती है। किलोवाट आवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किलो वोल्ट एम्पियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/cos φ। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की खपत के बढ़ाने के से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से क्या हो जाता है, cos φ ऑफ किलोवाट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किलोवाट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/cos φ। शक्ति गुणांक के घटने से वैद्युत शक्ति प्रणाली में संलग्न यंत्र उपयंत्र उपस्कार उपकरणों आदि व अनुप्रयोगों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च धारा के लिए मोटे चालकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। अगर कभी कभी आप घरों में देखे होंगे, हाँ भाई कितने एम्पियर की तार चाहिए, कितने एम्पियर की तार चाहिए, तो आप कभी पतला तार लाते हैं, कभी मोटा तार लाते हैं। तो समझ गए ना, तो जितना ही मतलब हाई एम्पियर की मतलब डिवाइस चलने वाली होगी, उसमें क्या होगी, थिकनेस वायर की मोटी होगी। ठीक है, शक्ति गुणांक के बढ़ने के कारण वैद्युत प्रणाली में संलग्न वैद्युत यंत्र उपयंत्र ठीक है आदि का उपयुक्त की कार्य कुशलता घट जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी परफॉर्मेंस उसकी कैसी रहेगी इक्विपमेंट्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस फाई। यानी कॉस फाई अगर बढ़ेगा तो ये भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, घटेगा तो घट जाएगी। ठीक है, और शक्ति गुणांक के घटने से संपूर्ण वैद्युत प्रणाली दक्षता घट जाती है, क्योंकि इनपुट पावर किलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉस फाई। ठीक है, अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है आपका टॉपिक नंबर 8 है। ठीक है, परमाणित्र एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो परिवर्तित धारा विभव को समान आकृति पर परिवर्तित करने के काम आते हैं। अर्थात ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाले प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उच्च धारा में, उच्च वोल्टेज वाले निर्बल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में अथवा उच्च वोल्टता वाली निर्बल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को निम्न वोल्टेज वाले प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में दी गई आवृत्ति के समान पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, परमाणित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्थिर प्रेरण के अन्वयन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य पर आधारित स्थित है इकाइयां हैं, जिससे सब जब प्राथमिक कुंडल पर परावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त की जाती है तो उसमें प्रतिवर्ती धारा I प्रवाहित होती है और उसी के समानुपाती में क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स ठीक है उत्पन्न होता है। क्रोड में उत्पन्न यह प्रवर्ती फ्लक्स जब उसी क्रोड पर स्थित द्वितीय कुंडली से ग्रथित होती है तो अन्योन्य प्रेरण यानी
म्यूचुअल इंडक्शन के नियमानुसार द्वितीय कुंडल में विद्युत वाहक बल E2 है और वहीं विद्युत वाहक बल वोल्टता के रूप में द्वितीय कुंडल टर्मिनल में उपलब्ध होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यही द्वितीय टर्मिनल बाह्य टर्मिनल है। ठीक है, हम लोग देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना देखते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज आई है, इनपुट है, और यहाँ पे देखिए ये जो एन है इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं मतलब प्राइमरी राउंड, और ये क्या है मतलब फेरों की संख्या। ठीक है, यानी क्रोड पर फेरों की संख्या N1 है और N2 है राइट साइड फेरों की संख्या, और VO है क्या है आपका आउटपुट है, और यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए पहला हम लोग देखते हैं क्रोड हानियाँ या लौ हानियाँ परमाणु परिणामित्र में क्रोड की उपस्थिति के कारण जो विद्युत शक्ति व्यय होता है उसे क्रोड हानियाँ कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, वो भी एक कंडक्टर है, उसमें भी लॉस होंगे। बिल्कुल सही, ऐसा थोड़ी ना है। क्रोड लोहे का होता है। ये देखिए बेटा, क्रोड जो होता है यह कच्चे आयरन का होता है, पका लोहा नहीं होता है। ठीक है, अतः इसे लौ हानि भी कहते हैं। वोल्टता पर आधारित यह हानि भार धारा परिवर्तन से अप्रभावी होती है और स्थिर वोल्टता निवेश पर स्थिर मान की होती है, अतः यह स्थिर हानियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इसे खुला परिपथ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लौ हानियाँ निम्न दो प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए भंवर धाराएं हैं। ठीक है, भंवर धारा हानियाँ, ये हानियाँ कैसे होती है देखिए। परिणामित्र क्रोड उसके कुंडलों के बीच स्थित होता है। ठीक है, यानी कुंडलों का मतलब बेटा क्या होता है कि जो क्रोड पे आपने ट्रांसफार्मर का भी छोटा छोटा फोड़ा फोड़ा होगा तो देखे होंगे कि बहुत सारा वाइंडिंग होता है, बहुत सारा वाइंडिंग होता है। ठीक है, उसमें दो वाइंडिंग मिलेंगे, एक आपको प्राइमरी वाइंडिंग मिलता है और दूसरा मिलता है आपको सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो कुंडलों से परिवर्तित धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न परिवर्तित फ्लक्स के प्रभाव में स्थित क्रोड में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। ठीक है, और क्रोड में ही अनेक धारा परिपथ उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार क्रोड में प्रेरित ये धाराएं भंवर धाराएं कहलाते हैं, जो पथ धारा तथा पथ प्रतिरोधी के आरी के अनुसार परिपथ IE²RE शक्ति शोषित करती है और भंवर धाराओं के कारण क्रोड में व्यय यही शक्ति भंवर धारा हानि कहलाती है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्रोड को ठोस न बनाकर विद्युत रूप प्लेटों के समायोजन से निर्मित किया जाता है और यह पटलित क्रोड। देखिए हम कभी भी तो देखिएगा उसमें बहुत सारे लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और उस लेयर के बीच में एक हम कुचालक मटेरियल जैसे अवरक हो गया या कोई मतलब ऐसी पेपर हो गया जो मतलब हीट की वजह से वो जले नहीं। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर हीट हो तो वो जले नहीं, तो मतलब इस प्रकार के प्लास्टिक फाइबर या अवरक यूज करते हैं ताकि जितना ही वो पार्ट में अलग अलग होगा, जितना ही थिन प्लेट्स में हम ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाएंगे उतने ही भंवर धाराएं जो होंगी कम होगी। अगर हम मान लीजिए अगर एक एक मतलब बहुत सारे पीस में क्रोड को ना बनाकर हम क्या करें कि अगर एक ही सॉलिड बॉडी को लेकर के या किसी डाई में या उसी तरह उसको कट करके बनाते हैं तो उसमें बहुत मतलब भंवर धाराएं, यानी दी हुई इनपुट में से आपका 50 से above% ही
आपका जो करंट है सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो क्रोड होता है वह टुकड़ों में बनाते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों से मिलाकर बनाते हैं, और उसके बीच में कुचालक मटेरियल रखा जाता है ताकि भंवर धाराएं न उत्पन्न हों। ये क्या करती हैं, भंवर धाराएं के उत्पन्न होने से एक मतलब रेजिस्टेंस पैदा कर देती हैं, फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, इससे हमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हानि होने लगती है, सही ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा जो रीजन है बेटा, मंदायन हानि, परावर्ती धारा वहन कर रही कुंडलियों के बीच स्थित लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड में धारा की दिशा के साथ इसके चुंबकन बल के प्रभाव में वहाँ स्थित चुंबकीय डोमेन भी उलटते हैं, ठीक है। अतः धारा चक्र में धारा के उलटने के साथ ही चुंबकीय डोमेन में दिशा उलट जाने से क्रोड में चुंबकीयता के उलटने की स्वाभाविक क्रिया होती है, और यहाँ चुंबकीयता के उलटने में डोमेन में यांत्रिक गति होती है, जिसमें शक्ति व्यय होती है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा है क्या है, ताम्रहानि है, वो क्या थी, भंवर धाराएं, ये होती हैं ताम्रहानियां। यह हानि परिणामित्र के कुंडलियों के प्रतिरोध से, आर प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई के कारण होती है, ठीक है, शक्ति के रूप में होती है, और कुंडलियां तांबे की होने के कारण ताम्र हानि कहलाती है। इन्हें आई स्क्वायर आर हानि भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। और आई में परिवर्तन होने के साथ ही यह हानि धारा के वर्ग के समानुपात में परिवर्तित होता है, धारा में यह परिवर्तन भार के परिवर्तन पर होता है। इस प्रकार ताम्र हानियाँ में भी परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, अतः ये हानियाँ परिवर्तनकारी हानियाँ हैं, इन्हें लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। किसी विद्युत ऊर्जा दक्षता बढ़ाने एवं ऊर्जा का संरक्षण करने हेतु समय समय पर उपकरण की सर्विस एवं रख रखाव विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है, इसलिए ऊर्जा की बचत के लिए ट्रांसफार्मर का अग्र प्रकार से रख रखाव किया जाना आवश्यक है। कैसे करना चाहिए, देखिए, सभी कनेक्शनों को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में कंजुएटर के भीतरी भाग को तेल से साफ करें, कंजुएटर को साफ करते समय परीक्षण करें कि तेल में गेज तंत्र ठीक ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। 1-2 साल में क्रमशः यांत्रिक निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। वेंट के डायफ्राम की जांच बार बार करते रहें, और यदि खराब हो जाए तो बदल दें। ट्रांसफार्मर के प्रत्येक ग्रुप के लिए आवश्यक स्पेयर, जैसे प्रत्येक प्रकार की एक बुशिंग स्पेयर, लीव वाइंडिंग, थर्मामीटर, कूलिंग पंखा आदि ठीक स्थिति में हो। प्रत्येक घंटे में लोड की जांच करनी चाहिए, यदि लोड उच्च हो तो कम करना चाहिए। यदि तेल का तापमान अधिक हो तो ट्रांसफार्मर को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर में तेल का स्तर कम हो तो सूखे तल को भरें, बिल्कुल सही है वह इंडिकेटर, ठीक है। थैंक यू, आज के क्लास में इतना ही, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको देखने को मिलेगा मोटर। थैंक यू क्लास।